नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। स्कूल वालों ने है ठानी, माता पिता को देनी है परेशानी। ऐसे ही लगातार स्कूल माता पिताओं को प्रताड़ित किए जा रहे हैं, एक के बाद एक स्कूल नज़र आता है। बात करें यूरो इंटरनेशनल की, बात करें शारदा इंटरनेशनल स्कूल की, सब ने फीस में इतनी बढ़ोतरी कर दी है, एजुकेशन को बिजनेस बना के रख दिया है, जिसके चलते माता पिता काफ़ी परेशान हैं। आज यही हाल है स्कॉटिश स्कूल का, आपको दिखा देते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, नीयत छोटी, क्योंकि हालात ये हैं कि बच्चों से लगातार फीस वसूली जा रही है। जो काम, जैसे जिस तरीके से स्कूल में एनुअल चार्जेस और अधिकतर फीसेस जो बच्चों से वसूली जा रही है, कुछ पेरेंट्स आज स्कॉटिश स्कूल के यहाँ मौजूद हैं जो लगातार स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सब ने बैनर बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट कंज्यूमर, ऑनलाइन सेशन कांट कॉस्ट वर्सेज लैक्स पर ईयर, वी आर पेरेंट नॉट ATM। बिल्कुल सही दावे, सही बात पेरेंट्स द्वारा की जा रही है। बात मुद्दा पूछेंगे, क्या मुद्दा है और किस तरीके से आज ये स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? See, the problem is we are trying to contact school management over the issue, but they are not even ready to meet us. So we have sent more than 100 mails, more than 100 parents have repeatedly sent a reminder to them, but there is no response from the school management and they are not even ready to meet us as a group. तो सर, किस तरीके से आप स्कूल से, आपकी क्या डिमांडें हैं और किस तरीके से आप चाहते हैं कि स्कूल आपकी सुने? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल को सुनना ज़रूरी है। एज पेरेंट्स वी आर कंज्यूमर्स टू स्कूल एंड एज अ कंज्यूमर आई हैव अ राइट टू नो व्हाट आई एम बीइंग बिल्ड फॉर। सो हम लोग हर बार वही पूछे जा रहे हैं उनसे कि आप जो हमें फीस चार्ज कर रहे हैं, इसके हेडर्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ के लिए चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। पहले जो क्लासेस में होता था, फूड एंड जितनी भी एक्टिविटीज़, इन हाउस एक्टिविटीज़ थी, वो सब इंक्लूडेड था, बट अब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो फ़ीस तो सेम नहीं हो सकती। सो पहली रिक्वेस्ट यही थी कि आप हमसे मिलिए और हमें बताइए कि ये फ़ीस इतनी, ये जो अभी आप चार्ज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बट अभी वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पा रहे हैं वो लोग। उन्होंने हम लोग कितने मेल्स किए हैं, उन्हें आके भी मिले हैं, बट उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। बिल्कुल, स्कूल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैम दे आर चार्जिंग बट नॉट एक्सप्लेनिंग व्हाई दे आर चार्जिंग, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है स्कूल को इस बात की क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए, ये हर बच्चे का, हर पेरेंट का राइट है। तो हम उम्मीद करते हैं स्कूल के मेंबर्स आएंगे, हमसे बात करेंगे और इसको सोल्यूशन देंगे। मैम, एजुकेशन को बिजनेस बना लिया है और पूरी तरीके से ना ही हमारे जो CM साहब हैं वो इस पर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ भी बात नहीं करते, क्या कहेंगे? Again, we are not ATMs, right? Everyone is struggling with COVID and everything. हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, एंड देन स्कूल इज़ नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एक PTA फॉर्म करना तो हर पेरेंट का राइट है ना, वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्कूल शुड रिप्लाई एंड दे हैव टू रिप्लाई पॉजिटिवली ऑन दिस। इट्स नॉट जस्ट अस, बहुत पेरेंट्स हैं, काफ़ी डर से नहीं आगे आते हैं, बट देन इट मेक्स सेंस टू कम आउट एंड टॉक टू देम ना। ये है, सब पेरेंट्स का यही कहना है कि स्कूल लगातार अपनी फीस, जो अपनी मनमानी है, वो चला रहा है। स्कूल की फीस लगातार वसूली जा रही है, ऐसे ऐसे चार्जेस वसूले जा रहे हैं। एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उसके बाद हर तरीके के चार्जेस जो हैं स्कूल द्वारा वसूले जा रहे हैं। स्कॉटिश स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं, आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन पेरेंट्स का मुद्दा नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का मुद्दा है जिसको एजुकेशन लेनी है, जिसके बच्चों को एजुकेशन लेनी है। क्योंकि एजुकेशन को अगर आप बिजनेस बना देते हैं तो ये देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हम लगातार अपील कर रहे हैं, लगातार स्कूलों के बाहर जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, हमारे CM साहब से अपील कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी से अपील कर रहे हैं कि सर, आप इस एजुकेशन की जो समस्या है पेरेंट्स की, हरियाणा में जगह जगह प्रोटेस्ट पेरेंट्स द्वारा किया जा रहा है, खासकर गुरुग्राम में लगातार यूरो इंटरनेशनल स्कूल, स्कॉटिश स्कूल लगातार मोटी मोटी फीस वसूली जा रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, पर वही बात है कि नीयत छोटी। क्योंकि एजुकेशन को अगर आप एक तरीके से बिजनेस बना लेंगे तो इस देश में कभी भी कोई व्यक्ति एजुकेट नहीं हो पाएगा। हर व्यक्ति का अधिकार है एजुकेशन, और एजुकेशन के अधिकार को आप किसी से छीन नहीं सकते। पर अब देखिए किस तरीके से पेरेंट्स एक पीसफुल मार्च करते हुए और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए किस तरीके से पेरेंट्स पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल के बाहर आए हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें स्कूल द्वारा बनाई गई है, काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं, पर सब सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी इमारतें, एक एक ईंट स्कूल की इन पेरेंट्स की बदौलत है। इन पेरेंट्स ने फीस भरी, समय पे फीस भरी, उसकी बदौलत हज़ारों की तादाद में स्टाफ होता है स्कूल में, काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें रखी जाती हैं। प्रोटेस्ट स्कूल के पेरेंट्स द्वारा किया जा रहा है स्कूल के खिलाफ, क्योंकि फीस की मनमानी जारी है, ना पेरेंट्स को सुना जा रहा है।
साफ पेरेंट्स ने नारे लगाए हुए हैं, आवर चाइल्ड आवर मनी वी वांट फी जस्टिफिकेशन। सिर्फ फी जस्टिफिकेशन के लिए पेरेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप किस बेसिस पे फीस चार्ज कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, किस तरीके से बात करते हैं। सर क्या कहना है आपका कि पेरेंट्स ये स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं और पेरेंट्स को प्रताड़ित कर रहे हैं इस पर? एवरीथिंग पे प्राइस लिखा होता है, MRP बोलते हैं, उससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। स्कूल का कोई MRP नहीं है, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, फूड नहीं ले रहे हैं, बस इनके चल नहीं रहे हैं, एक्सपेंसेस इनके कम होते जा रहे हैं, MRP बढ़ता जा रहा है। कभी आपने सुना है किसी MRP से ज़्यादा चार्ज किया हो? ये MRP से भी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम पहले से कम चार्ज कर रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे, हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे। मिलना भी नहीं चाहते आपसे, मिलने के लिए आप आते हैं क्या? हम ये हमारा तीसरा चौथा अटैम्प्ट है, हमने मेल डाल लिए, हमने फ़ोन कर लिए। स्कूल में एक राइट होता है PTA का, पेरेंट टीचर एसोसिएशन होना चाहिए। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें है ही नहीं है, तो पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सारे। बिल्कुल, आप देखिए किस तरीके से पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं, सिर्फ मिलना चाहते हैं स्कूल वालों से। और जब हालात ये हैं इस देश के, इस हरियाणा प्रदेश के हालात बद से बदतर हैं कि एजुकेशन के लिए पेरेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। सिर्फ एजुकेशन जो एक फंडामेंटल राइट है उसके लिए पेरेंट्स खड़े हैं, नारे लगाएंगे और साथ ही देख रहे हैं किस तरीके से सब ने बैनर बनाए हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस, पुअर फीस का अत्याचार, दिस इज़ अ पेरेंट पे विचार। तो एक तरीके से देखें कि पेरेंट्स पे वार किया जा रहा है क्योंकि स्कूल से फीस वसूली जा रही है। कोई बात करेंगे, एक बार देखेंगे कोई है यहाँ पे बात करने के लिए, कोई जवाब देने के लिए? सर कोई जवाब देने के लिए स्कूल में है या फिर आप लोगों को ही सिर्फ रखा गया? कोई बात करने के लिए स्कूल में कोई अथॉरिटी है जिससे पेरेंट्स बात कर सके, अपनी डिमांड बता सके, या सिर्फ आप लोगों को ही रखा गया? जी अच्छा जी, मैसेज इनका कहना यही है कि मैसेज दे दिया गया। मैसेज देखते हैं कितनी देर में जो स्कूल की अथॉरिटी है वो बाहर आएगी, क्योंकि पेरेंट्स लगातार हर स्कूल में बद से बदतर हालत इस देश की होती जा रही है। एक तो कोविड के चलते इकोनॉमिक लॉस सबको झेलना पड़ा, एक तो कोविड के चलते हर व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ी, अब इतनी परेशानी के यहाँ पे माता पिता खड़े हैं। एक डिमांड एजुकेशन, अगर बच्चा पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, ये बात होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की, ये बात होती है हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सब पढ़ेंगे पर आप अगर फीस कम करवाएंगे तो ही पढ़ पाएंगे ना। अगर आप इस तरीके से स्कूलों की बड़ी बड़ी इमारतों में आप भी अपना ज़मीन बेच देंगे तो किस तरीके से पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ा पाएंगे? लगातार स्कूल वालों की मनमानी, लगातार स्कूल अपना ज़मीन बेचते हुए बड़ी बड़ी इमारतें और छोटी नीयत के हालात स्कूलों द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन ही आप छीन लेते हैं। एजुकेशन की इमारतें, इतने बड़े बड़े मंदिर आपने बना रखे हैं और मंदिर की जो दान पेटी है वो इतनी बड़ी कि भरी ही नहीं जा रही है। लगातार पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, कुछ और पेरेंट्स अभी बात करेंगे उनका क्या कहना है और किस तरीके से। सर एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं फीस की और चार्ज करते हैं दुगना, तो क्या कहेंगे सर इस पर? क्या इनके इनसे भी हम पहले मिलने आए थे पिछले 2 वीक पहले भी, बट दे नेवर लिसन टू अस। हमारी कोई मीटिंग फिक्स नहीं करी गई है, हमने इनको पता नहीं कितनी 100+ मेल्स डाल दी हैं, अराउंड 300+ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, बट दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड इवन अ सिंगल मेल कि व्हेन दे वांट अस टू मीट देयर यू नो लीडरशिप सो दैट दे कैन टेक अ डिसीजन। अभी हम लोग वी आर जस्ट प्रोटेस्टिंग ओनली फॉर दैट कि वी वांट अ मीटिंग सो दैट आर इशूज़ कैन बी रिजॉल्व। मैम जब आप एडमिशन करवाने आए थे अपने बच्चे का तो क्या था इनका, क्या कहना था, किस तरीके से आपको ट्रीट किया गया था, और अब जब आप अपने एक तरीके से डिमांड रख रहे हैं इनके आगे, एक अपना हक मांग रहे हैं, अब क्या कहना है? जब एडमिशन लेने आते हैं तो इनकी अलग ही बातें होती हैं कि ये भी फैसिलिटी दी जाएगी ये भी, और एंड आई हैव 2 kids इन दिस स्कूल, बट दिस टाइम लाइक अभी इलेक्ट्रिसिटी भी कभी है, चार्ज जो हम ही पे कर रहे हैं, वाईफाई है, सब फैसिलिटीज़ है, फूड है, तो उन सब के बारे में भी मतलब हमारे पास वैलिड रीजन है ना कि उनको एटलीस्ट बात तो करनी चाहिए। जब बच्चे स्कूल में आ ही नहीं रहे हैं तो किस तरीके की आप डिमांड, मतलब किस तरीके से फीस आप वसूल रहे हैं? लगातार मनमानी स्कूलों की जारी है, काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड्स टीचर हैं जी, टीचर को अंदर नहीं जाने दे रहे। मैम आप टीचर हैं स्कूल के, आपको ही अंदर नहीं जाने दे रहे जा रहा है, ये हाल है स्कूल का, मनमानी लगातार जारी है, टीचर बाहर खड़े हैं गेट से, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं तो इन पेरेंट्स की फ़ीस से रखे हैं, इस बिल्डिंग की इमारतें, इस बिल्डिंग की ईंट खड़ी गई है तो इन पेरेंट्स की फ़ीस से रखी गई है, और इन पेरेंट्स का आप हाल देखिए आज किस तरीके से, एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे जारी है पेरेंट्स द्वारा, एक ही डिमांड है कि काश स्कूल वाले बाहर आएँ, एक बार मिलें, बात बताएँ,
किस तरीके से आप चार्जेस वसूल रहे हैं। और मैं एक बार अपील करूंगा हमारे होम मिनिस्टर साहब से, सर आप हंटर चलाते हैं एमसीजी में, एक बार हंटर चलाइए इन स्कूल वालों पे, क्योंकि हंटर चलाना बहुत ज़रूरी है। इन स्कूल वालों की दिक्कत यह है कि फीस अपनी मनमानी से वसूलते हैं, कोई बात करने के लिए राज़ी नहीं, कोई कुछ कहने को राज़ी नहीं। हालात ये हैं, पेरेंट्स यहाँ पर निराश एक आस के साथ खड़े हैं कि काश कोई अथॉरिटी आए, बात करे। कोई अथॉरिटी नहीं, बस बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती है। और मैं एक बार अपील करूंगा हमारे डीसी साहब से, डीसी साहब एक बार आप देखिए किस तरीके से लगातार स्कूल मनमानी जारी कर रहा है। यूरो इंटरनेशनल ले लीजिए, शारदा इंटरनेशनल, अब स्कॉटिश के बाहर हम आए हैं, लगातार पिछले साल से ये मनमानी चलती आ रही है, निराश कर दिया है सबको। क्योंकि एजुकेशन के लिए जब आप हाथ पसार रहे हैं तो आप इस देश में क्या आपके हालात होंगे, किस तरीके से। मैं आप लोगों से अपील करूंगा, मैंने पहले भी कहा था, आप एक जो ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं ये सब आपका अधिकार है, आप अपना अधिकार उठाइए, एक हैशटैग चलाइए राइट टू एजुकेशन का, कि हमारी एजुकेशन हमारा राइट है या नहीं, ये सवाल कीजिए। क्योंकि एजुकेशन के लिए ही ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खड़े हैं, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा बेहतर फ्यूचर देने के लिए पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं। पर हालात बद से बदतर, हमारे सीएम साहब ने देश को, हमारे प्रदेश को घुटनों पे ला दिया है। क्योंकि जब एजुकेशन घुटनों के बल आ जाती है तो पूरा देश, पूरा प्रदेश घुटनों के बल आ जाता है। ये हालात हैं सर। कोई अथॉरिटी नहीं है आपके स्कूल में या सिर्फ ऐसे ही खड़ा किया गया आपको? कोई अथॉरिटी नहीं है सर स्कूल में, या आप लोग ही पढ़ाते हैं और आप लोग ही यहाँ फिर वो करते हैं? मैसेज दे दिया है, मैसेज जितनी बड़ी इमारत है तो मैसेज अंदर पहुंचने में समय लगेगा, फिर अंदर किसी के पास पहुंचेगा तो विचार करेंगे आए ना आए। क्योंकि हालात बद से बदतर हैं, आप देखिए किस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, सिर्फ एक ही डिमांड, एक ही चीज़, एजुकेशन। सर टीचर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है मिलने के लिए, सिर्फ आपकी डिमांड है सिर्फ मिलना जी सर। तो किस तरीके से आप कहेंगे कि मिलने ही नहीं दिया जा रहा? आपने कॉल किया होगा, इनके पास मैसेज ड्रॉप किया होगा क्या? हम कम से कम अप्रैल मंथ से वी हैव बीन सेंडिंग ईमेल्स सिंस अप्रैल कि हमें मिलिए, जस्टिफाई कीजिए जो आप चार्ज मांग रहे हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। मिलने की कोई हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तो हमारे पास चारा क्या बचा है कि आप हम आके रिस्पेक्टफुली यहाँ पे दरवाजे पे खड़े होके पूछें कि प्लीज़ मिलने दीजिए। अब उसमें भी आप देख रहे हैं आपके सामने है, दे डोंट केयर। आप ये समझिए कि दो साल पहले तक ये यही फीस दे रहे थे हम सारे पेरेंट्स से, जो फीस पे कर रहे थे टाइम पे। अब जब हम कोई फैसिलिटी ले ही नहीं रहे हैं उसके लिए हम क्यों पैसा दें? क्या हमारा इतना भी राइट नहीं है कि हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पे 7-8 दस दस साल की एसोसिएशन हो गई है एक स्कूल के साथ, ठीक है? अपने बच्चों को घर जाके क्या बोलेंगे कि हम स्कूल में बार आपके प्रोटेस्ट करने गए थे और वो हमसे मिलने भी नहीं आए? क्या इतना भी राइट नहीं है हमारा? हम उनके कोई आपके घर के बाहर खड़ा होता है तो आप कम से कम गेट खोल के उससे पूछ लेते हो भैया क्या चाहिए आपको? ये तो यहाँ ये भी नहीं हो रहा, कम से कम इनको इतना तो समझना चाहिए ना कि कोई आया है पूछे तो सही। बड़े बड़े गेट लगा दिए हैं, जेल की तरह गेट नज़र आते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए इनके दरवाजे खटखटा रहे, पेरेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, लगातार पेरेंट्स हैं, प्रोटेस्ट जारी है। एक बार बात करेंगे कुछ और लोगों से क्या कहना है। मैम आप डीसी साहब के पास गए कभी? डीओ साहब, डीओ मैम के पास गए, उनसे बात की आपने, इनके लिए कुछ कहा? ऑब्वियसली पॉइंट है ही रेज करने का, हमें ब्रेकअप तो चाहिए, हमें पेरेंट एसोसिएशन चाहिए, हमारा पॉइंट तो सुनोगे यार जी। That's the only point, बहुत एकदम जिस्ट में बोल रही हूँ, पॉइंट तो सुनोगे? पॉइंट सुनने को तैयार नहीं हो आप हमारा? वी बीन राइटिंग फॉर एवर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से लिखते हैं सो दैट आप ये ना क्लेम करो कि हमें ईमेल आईडी कहीं से भी आ गई, हम रजिस्टर्ड, हम क्लेम कर रहे हैं, हमारे बच्चे अंदर पढ़ते हैं यार, किस ट्रस्ट से बच्चों को अपने भेजें अगर इस तरह का बिहेवियर है? मैम स्कूल में आने से पहले किस तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है और अब क्या यार, लिटरली हाथों पे रखा जाता है ऑब्वियसली। अब अपने बच्चों को 7-7 घंटे के लिए कैसे भेज दोगे? एक और चीज़ बताता हूँ, ये स्कूल वो नहीं है जो इसकी फीस 2500 या 10,000 रुपए है, यहाँ पे 35-40,000 रुपए मंथली फीस है जी। और ये फीस हम सिर्फ इसीलिए पे करते हैं फैसिलिटीज़ के लिए, खाना मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं। देखते हैं किस तरीके से कोई अथॉरिटी स्कूल से आए क्या उनका कहना होगा, क्या बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस देश में एजुकेशन का स्तर ऊपर जाना। एजुकेशन अगर डाउन जाएगी तो किस तरीके से बात करेंगे? मैम पेरेंट्स की डिमांड है, पेरेंट्स की डिमांड इतनी है कि आप इनसे बात करें, क्या आप कहेंगे और किस तरीके से बात करेंगे? गुड मॉर्निंग, यू आर ऑल आवर पेरेंट्स? गुड मॉर्निंग, ओके आई जस्ट कम। शुक्र स्कूल की अथॉरिटी बाहर आई पेरेंट से बात करने, एक पीसफुल प्रोटेस्ट स्कूल द्वारा किया गया था। अब क्या डिमांड स्कूल रखी जाएगी और क्या इनका कहना होगा अथॉरिटी का? यस सॉरी, गुड मॉर्निंग।
Yes, I understood. You can put it down. Tell me, you wanted to meet me? आपने 6 जुलाई को जब हम आए थे प्रॉमिस किया था कि मैनेजमेंट के साथ मीटिंग आपकी आश्वासन यू अश्योर्ड यू विल गेट अ मीटिंग डन यू आस्क्ड अस टू सेंड ईमेल यू आस्क्ड अस टू सबमिट लेटर हमने उसी दिन लेटर आपको आके सबमिट किया यू चेंज्ड योर स्टांस यू सेड ये लेटर मैं नहीं ले सकती फिर हमने आपको ईमेल किया सब इंडिविजुअल पेरेंट्स ने अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से ईमेल किया आपने उसका एक किसी को भी जवाब नहीं दिया कि मिलना चाहते हैं नहीं मिलना चाहते हैं मतलब इज दिस द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन कि आप एक्नॉलेज भी नहीं करेंगे मैं आपको उस दिन इतने हम्बली रिक्वेस्ट करके गया था मैडम प्लीज जवाब देना सीख लो कम से कम एक ऑटो रिस्पॉन्डर लगा लो फ्री मिलता है कि वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल थैंक यू वेरी मच वी विल गेट बैक टू यू इन 24 आवर्स 24 डेज 24 ईयर्स कुछ तो लगाओगे Yes. Now, as far as I am aware, 7th ko already ek reply gayi thi. I don't know whether the 5-6 parents will be reversed. No reply. Hamare paas hai wo reply because I didn't reply. The school head's office must have replied. None of us have got the other. Ma'am, ek chhota sa sawal ye hai. Yes, yes, ma'am. You are talking to your parents, but you are talking to your parents like. जी मैम आप पेरेंट्स से इस तरीके से बात कर रहे हैं क्या जब ये एडमिशन देने आए थे बाहर खड़े करवाते अपने बात कर रहे आप अपने वर्ड्स बना रहे हैं हम नहीं बहुत प्यार से बात कर रहे हैं तो मैम जस्ट मेरा एक ही क्वेश्चन है मैम प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है सर जब आप लोग आए थे जब भी ऐसे बाहर खड़े होकर बात करवाई गई थी पिछली बार बुलाया गोली देके भेज दिया जब बाहर खड़े होकर ऐसी बात करी थी जब एडमिशन लेने आए थे अभी तो प्लीज कम इनसाइड जाइए सर आपको कम से कम अंदर तो बुलाया जा रहा है एटलीस्ट क्योंकि नोबडी इवन अलाउस अस इनसाइड मतलब वो कहते हैं ना टेढ़ी उंगली करोगे तभी घी निकलेगा वही मैम आपने कर दिया मैम यू आर नॉट अलाउड यू कैन नॉट अलाउ इस देश में सबसे ज्यादा जो इज्जत होती है वो टीचर्स की होती है दे आर गिवन द रिस्पेक्ट ऑफ गॉड वी आर रिस्पेक्टिंग यू एज पेरेंट्स द मीडिया कैन वेट वी विल अरेंज फॉर सम वाटर फॉर द मीडिया यू प्लीज हैव योर वी डोंट नीड वाटर वी जस्ट वांट देयर राइट डेफिनेटली वंस दे कम आउट यू विल गेट अ बाइट फ्रॉम देम डेफिनेटली मैडम वन सेकेंड इट्स द सेम थिंग पिछली बार आपने धूप में हमें रखा था हमारे लिए सेम बात है यहाँ खड़े होना ये भी आपका ही प्रिमाइसिस है एक बार मैम हमारी रिस्पेक्ट के लिए प्रिंसिपल को बाहर आने की बोल दीजिए हम उनके साथ चलेंगे नहीं मैम आप उनको मैडम को बोलिए ना आने के लिए हम इतनी बार आए हैं इतनी मेल करी है कोई जवाब नहीं आया यस शी शुड कम आउट वी विल गो विद हर Principal sir and ma'am are waiting. Ma'am, please ask them to come out. We will go with them. Why don't you come? Ma'am, please understand. Ma'am, see, it is for our respect. See, you have disrespected us a lot by not replying to our mail. Please call them outside. We will go with them inside. We are calling you. Respectfully, please come inside. Ma'am, tell me one thing. We are. देखें किस तरीके से ये parents वही है जो fees भरते हैं. Go with them. जी. Ma'am, please call them. We will go with them. Ma'am, please call them. We will go with them. We want that respect. We want invitation. We don't want to barge into your school. One minute. Last time on your thing. जो जो बोला हमने word by word follow किया. हम letter उसी दिन लिख के एक minute, madam, please allow me. उसी दिन वर्ड बाय वर्ड आपको लेटर लिख के जमा करने आए आपने लेने से इनकार कर दिया मैम हमारी एक रिक्वेस्ट है सुनो अच्छा ठीक है मीडिया को आप अंदर मैडम कैन आई रिक्वेस्ट प्लीज कम इनसाइड मैम कैन वी रिक्वेस्ट प्रिंसिपल मैम विल मीट यू यू आर ओल्ड पेरेंट्स ऑफ स्कॉटिश हाई मैम कैन प्रिंसिपल मैम मैम कैन मैम लिसन टू मी नहीं 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 रुको रुको मैम लिसन टू मी मैम 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 यू आर आवर पेरेंट्स विद ड्यू रिस्पेक्ट इफ यू वांट टू मीट आवर प्रिंसिपल स्कूल यू आर मोस्ट वेलकम कम इनसाइड आई एम नॉट इंटरेस्टेड पिछली बार आपने एश्योरेंस दी You are why when media is there you are calling us inside I assure you ma'am okay no. चलो ठीक है मैम हम आपकी बात मान लेंगे मैम आपकी बात मान सुन मैम सुनिए तो सही लेट मी टॉक कैन वी रिक्वेस्ट स्कूल प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन मेकिंग अथॉरिटी टू कम आउट एंड इनवाइट अस
we don't want no, no we HOD is here. I am in a senior position. I am requesting can the school principal come out and invite us? She is currently in a meeting. Sorry? We will meet you. So we will wait. We will wait till the meeting finishes. Thank you so much. But you are still welcome to meet the school head. When if you wish to meet right now, I can get it arranged. Right today. Yes, no, but she is on meeting and how will she meet right we now? We have already passed on the message. No, but why today? Why not? Why our emails has been ignored? Why today? तो ये स्कूल स्टाफ है जो जब आपको एडमिशन लेना होता है अपने बच्चों का तो आपकी आवभगत की जाती है, पर जब आप अपनी डिमांड रखने आते हैं तो इस तरीके से भगा दिया जाता है। स्कूल के टीचर्स जो फीस लेते हैं पेरेंट्स के पैसों से, वो ये स्कूल के टीचर्स थे। प्रिंसिपल मैम मीटिंग में बिजी है, इतनी काफ़ी ज़रूरी मीटिंग है कि बच्चों की एजुकेशन के साथ खेल रही हैं प्रिंसिपल मैम। ऐसी प्रिंसिपल हैं स्कॉटिश की, क्योंकि किस तरीके से पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिए आप अपनी मीटिंग छोड़ के एक बार पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। ये वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सिर्फ इस इंतज़ार में है कि हमारे पेरेंट्स गए हैं क्या बात करेंगे। ये बच्चों को पता नहीं होता पेरेंट्स कितनी फ़ीस भर रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, बच्चों को सिर्फ ये होता है कि एजुकेशन हमारे लिए एक ज़रिया है, एजुकेशन जो सेंटर है वो हमारे लिए एक मंदिर है, बच्चे ये सोच के स्कूल में आते हैं। पर जो मंदिर के पुजारी हैं, जो मतलब हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, वो हाल ये करते हैं कि आप लंबी लंबी कतारों में लग जाइए और दान पेटी में दान डालिए, उसके बाद आपको अंदर आने दिया जाएगा। दान पेटी में दान डालेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स की फ़ीस भरी जाएगी, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी दी जाएगी। दान पेटी में दान डालेंगे तो स्कूल में कोई खर्चा होगा तो वो दिया जाएगा। दान पेटी में दान डालेंगे तो प्रिंसिपल मैम एसी में बैठ पाएगी। दान पेटी में आप दान डालेंगे तो ही इन पेरेंट्स को स्कूल के अंदर एसी में बिठाया जाएगा। आए स्कूल के अथॉरिटी, बाहर आई, बात करी और चली गई। अगर आप इस तरीके से भी एडमिशन देना शुरू कर दे बच्चों को तो आपके स्कूल में एडमिशन भी कोई नहीं लेगा। जी सर, 10 पेरेंट्स गए थे, उनको एसी में बिठाया कि नहीं गया था, हमें ओपन थिएटर में लेके गए कि ये सेफ जगह है जी। और आज बात कर रहे हैं जब 25-30 पेरेंट्स हैं तब बोल रहे हैं कि आप एसी में बिठाएंगे, बिकॉज दैट वाज अ कंसर्न वी हैव रेज्ड कि यार आपके पास इतनी भी जगह नहीं है पूरे इतने बड़े स्कूल में, जबकि स्कूल बंद है और आप 10 पेरेंट्स को एक एसी हॉल में बिठा के, एसी रूम में बिठा के, नॉर्मल इन द स्कॉर्चिंग हीट आउटसाइड, आज तो फिर भी वेदर बेटर है, उस दिन तो पूरा धूप थी, 40+ टेम्परेचर था, बट दे हैव नॉट इवन बॉदर्ड। और यही डिमांड रखी थी, एग्जैक्टली सेम डिमांड वी केप्ट कि आप हमें प्रिंसिपल से मिलाएं, किसी लीडरशिप से मिलाएं जो डिसीजन ले सकता हो, नॉट द कोऑर्डिनेटर्स, राइट, दे कैन नॉट टेक डिसीजन। आज भी वही हो रहा है, हमने रिटर्न में भी दिया, सेकेंड टाइम जब देने आए रिटर्न में लेटर, दे हैव सिंपली सेड नो टू एक्सेप्ट द लेटर। आज कैसे, हाउ डू वी गो इनसाइड, वो तो वही चीज़ करने वाले हैं ना, अंदर जाके आपको अलाउ नहीं करेंगे, गोली देने वाले, और अंदर जाके हर बार यही होता है, अंदर बुलाते हैं सर, फिर क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, अंदर जो बुला के बोलते हैं कि हम आपकी मीटिंग अरेंज करवाएंगे, आप अभी जाइए, और उसके बाद हम चले जाते हैं, मेल भेजते रहते हैं, ना जवाब आता है ना इन्विटेशन आता है मीटिंग के लिए। तो सर फीस के लिए क्या कहते हैं, किस तरीके से अगर आपकी मीटिंग करवाते हैं? उसके हिसाब से क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ कॉस्ट टू मेंटेन द स्कूल, स्कूल शुरू करना है तो कॉस्ट तो है, बट यार हमको ब्रेकअप देने को तो तैयार हो ना, बी रेडी टू बी गिव अस द ब्रेकअप, वी आर रेडी टू पे, बट गिव अस द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग। आज स्कूल को ऑनलाइन में अगर लॉसेज हो रहा है तो वो टाइम कहाँ गया जब स्कूल को प्रॉफिट हमारे साथ शेयर किया था क्या? हमने भी तो हमने भी तो इन्वेस्टमेंट किए, हमारे पास सब हम वर्किंग है, हमारे पास एक एक लैपटॉप था, बच्चों के लिए एक एक लैपटॉप और लेके दिया है, इंटरनेट लगवाया है, टेबल चेयर ला के दिया है, इंटरनेट का भी पैसे पे कर रहे हैं, हमें से एक आदमी घर बैठा हुआ है, लीव लेके हर रोज एक ऑल्टरनेट डेज पे घर बैठ रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, जब प्रॉफिट हो रहा था वो सारा आपका, जब लॉस हो रहा था तो हम बियर करें, हम किस लिए बियर करें लॉस आपका? हाँ, लास्ट ईयर जो है इनकी फीस रफली 10,000 पर मंथ थी, ठीक है, अभी एकदम से मार्च के बाद से 20,000 कर दी, व्हाट हैज गॉन सो डिफरेंट फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, इनफैक्ट अप्रैल में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है इंडिया में, कोविड की पेंडेमिक इज नॉट ओवर येट, थर्ड वेव इज अबाउट टू कम, देर इज अ लॉट ऑफ हाइप अबाउट इट, हाउ कैन वी यू नो हाउ कैन दे राइज द फीस टू द डबल द अमाउंट एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, राइट, एंड वाई शुड वी पे दैट? We are asking for the breakup of the fees. They are not even giving the breakup of the fees. We will pay it also. Yeah. But give us a proper, in, you know, a breakup of the things. That why are you charging? How can it be double in the coming year? यही नहीं समझ आ रहा. यही तो पूछ रहे हैं सिर्फ. और तो कुछ पूछ भी नहीं रहे हम लोग. जी बिल्कुल. Parents का यही कहना है कि स्कूल वालों ने लगातार लूट मचाई हुई है. क्योंकि समस्या ये है कि स्कूल
हम लगातार हिंद वॉरियर आपकी आवाज़ उठाते हैं, सच के साथ उठाते हैं, और जब से हम देख रहे हैं स्कूल वाले लगातार मनमानी कर रहे हैं। इस गुरुग्राम में शायद कोई स्कूल ऐसा बचा हो जिसमें जिन्होंने अपनी मनमानी ना चलाई हो, जिन्होंने पेरेंट्स को प्रताड़ित ना किया हो। जब सरकारी स्कूल में जाते हैं गवर्नमेंट कहती है कि अब सरकारी स्कूल की तरफ लेके जाइए अपने बच्चे को, जब सरकारी स्कूल में जाते हैं तो बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, जब बड़े बड़े स्कूलों में आते हैं तो हाल ये होता है, लगातार लोग खड़े होते हैं और स्वागत इनका जब किया जाता है जब एडमिशन करवाने आते हैं, उसके बाद धुतकार दिया जाता है, जब अपनी डिमांड रखने आते हैं तो धुतकार दिया जाता है। ये हाल है, हर स्कूल का यही हाल है। ये स्कॉटिश स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ इन लोगों की दिक्कत नहीं है, ये हर उस देश में रह रहे उस व्यक्ति की दिक्कत है जो एजुकेशन को सच में एक जरिया समझता है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन ने बद से बदतर हालात एजुकेशन के सिस्टम के, एजुकेशन के कर दिए हैं स्कूल वालों ने। लगातार स्कूल वाले प्रताड़ित किए जा रहे हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स खड़े हैं एक सिर्फ इस आस में कि अब हमारे बच्चों की जो फीस है उसमें ब्रेकअप होगा, एक तरीके से उसको कम कर दिया जाएगा और उसके बाद कुछ आगे डिमांड रखी जाएगी। स्कूल वाले लगातार, क्या जब स्कूल में पेरेंट्स आते हैं तो उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है या फिर डिमांड के लिए ही रखा जाता है? अब जेल से जेलर बात करेंगे, देखते हैं किस तरीके से। जी मैम, क्या कहना है आपका, किस तरीके से अब ये बात कर रहे हैं आपसे पर अंदर यही हाल होता है? सर, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन उसके लिए घर वालों को घर या ज़मीन या कुछ भी बेचना पड़े, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। भारत है ये, बच्चों का हक है, उनको मिलना चाहिए। सर, अगर ये आपसे हमारे रिक्वेस्ट पे डायरेक्टर नहीं आ सकते हमें बुलाने के लिए, हमने आपसे मांगी थी डेट, ये आपने जेनेरिक लिखा है, वी विल बी हैप्पी टू मीट यू, दिस इज जेनेरिक। हम इन्होंने बोला था मैं डिसाइड करके डेट बताऊंगी, डेट चाहिए, हमने डेट मांगी है, ये इसमें आपने कहाँ डेट और टाइम लिखा है? जेनरिक ईमेल है, वो भी तीन को भेज के। मिस्टर चोपड़ा, मैं हूँ जी मिस्टर चोपड़ा। मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, शिल्पी डॉट सिंगल। तो सर ये मेल्स के आपके दिखा रहे हैं, तो Only on one condition, ma'am, चलो चलो चलो, कोई नहीं, वो बड़े हैं हम छोटे हैं, मैम मैम, you want to turn us down, वो बाहर नहीं आ सकते बुलाने के लिए, कोई नहीं मैम, मैम वो नहीं आ सकते, चलो चलो मैम, मैम एक कंडीशन पे आएंगे अंदर, ओनली ऑन वन कंडीशन, अगर 10 मिनट के अंदर हम अंदर जाते हैं डिसीजन मेकर हम नहीं आते हैं तो हम बाहर आ जाएंगे, नहीं 10 मिनट आप वो जब रेडी हो जाए जब आप हमें बुलाने आ जाना, नहीं नहीं बिठाए नहीं, यहाँ चलिए फिर वहाँ चलिए, हम 10 मिनट, वी विल वेट ओनली फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट, 10 मिनट्स के बाद हम बाहर आ जाएंगे, आप वेट करना, अगर आप 10 मिनट में हम बाहर आ जाते हैं तो डिसीजन मेकर नहीं आ रहे हैं, हाँ हम किसी शेडो से नहीं मिलना चाहते जो डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन मेकर बाहर आ जाए। चलो सर, क्या कहना है आपको, ये अंदर बुला, ये अंदर बुला के कुछ नहीं करेंगे, हमें वेट कराएंगे, आप तब तक चले जाएंगे, वी वांट कि 10 मिनट में अगर वो मिलवाते हैं तो अदरवाइज वी नीड हर अश्योरेंस, वो पहले भी अश्योर कर चुकी हैं। देखो हमने आपका बहुत बिजी टाइम 6 जुलाई को, मैडम लेट मी रिमाइंड 6 जुलाई को हम जब लेटर वापस आपको देने आए, यू ह्यूमिलिएटेड अस बाय सेइंग आप बहुत बिजी हैं। आप एक बार जाइए, आप सर एक बार बात कीजिए, जाइए।
स्कूल डायरेक्टर और कार्तिक सर इज नॉट अवेलेबल नो वी वांट बट वी वांट देम टू कॉल द स्कूल अथॉरिटी ओके लेट्स गो वी विल स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो अंदर एक बार मीटिंग करने जाएंगे क्या डिसीजन होता है स्कूल वालों का क्या किस तरीके से बात करते हैं क्योंकि डिमांड एक ही है इतने बड़े बड़े एजुकेशन के जो मंदिर है इनका इनके जो धान पेटी है वो भरती चली जा रही है बस एक छोटी सी डिमांड है स्कूल पेरेंट्स की कि ब्रेक एक तरीके से फीस में थोड़ी कमी करी जाए क्योंकि हज़ारों की लाखों की तादाद में ये पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस भरते हैं बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं स्कूल वाले पर सुनवाई पेरेंट्स की एक भी नहीं अब देखते हैं किस तरीके से क्या बात रहेगी क्या डिमांड रहेगी वो हम देखेंगे किस तरीके से आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आपको दिखाते रहेंगे लगातार और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा देखिए किस तरीके से क्या कहना है तेरा नहीं 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 जाएंगे सर कोई नहीं आप एक बार कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करके जाइए अंदर क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो है ही नहीं ना प्रिंसिपल है वो उनका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं है मेरे पे तो है आरोग्य सेतु अरे आप चक्कर में मत पड़ो उनको बाहर बुलाओ मेल नो पॉइंट मेल करने के बाद रिप्लाई नहीं करते और यहाँ पे मेरी एंट्री करवा दे नॉट रिक्वायर्ड ना हम अंदर आ ही नहीं रहे हमें वैसे भी आपने गर्मी में बाहर बिठाना है माइट एज वेल यहीं बैठ जाएं हम भी गर्मी में बात कर लेंगे हम लोग अंदर जाने ही नहीं है यहीं पे हम लोग बात करके हम क्यों आपने हमें गर्मी में धूप में बिठाया था 43 डिग्री सेल्सियस था 6 जुलाई को ये वही टीचर्स हैं जो अब स्कूल में हाथ जोड़ के पेरेंट्स को बुलाते हैं कि आइए सर हमारी जो सैलरी है वो आप पे कीजिए अब हाथ जोड़ के रवाना करते जा रहे हैं स्कूल को देखिए किस तरीके से ये हालात हैं स्कूल के ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी रखी गई है पर फीस बच्चों की बिल्कुल कोई भी एक तरीके से सुनवाई नहीं बड़े बड़े स्कूल की बड़ी बड़ी इमारतों की छोटी छोटी नियत देखने को ऐसे मिलती है लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ज़्यादा से आप ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं पूरे देश की समस्या है और हम भी लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे एजुकेशन के लिए क्योंकि एजुकेशन अधिकार है हर व्यक्ति का एजुकेशन के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो आपको भी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी सारे बच्चों से मेरी डिमांड है कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपके साथ भी आपके पेरेंट्स के साथ भी ऐसा कुछ कर रहे हैं पेरेंट्स से मेरी डिमांड है कि आपसे भी मनमानी फीस वसूल रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज़ उठाइए बुलंद कीजिए अपनी आवाज़ और ये चीज़ पहुँचनी चाहिए हमारे होम मिनिस्टर साहब तक क्योंकि जब MCG में MCG का घोटाला सामने आया था तो भी गृहमंत्री जी ने एक छापा मारा था अब एक बार स्कूलों पे एक बार DEO पे एक बार छापा मारिए देखिए क्या कहते हैं किस तरीके से उनकी कार्रवाई करते हैं लाइव तस्वीर आपको दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए किस तरीके से स्कूल की जो अथॉरिटी है एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे जेल के बाहर खड़ा कर दिया गया हो कि आप अंदर नहीं जा सकते आप नहीं जा सकते अपने हक मांगने ये स्कूल के हालात हैं बड़े बड़े स्कूल बड़ी बड़ी इमारतें छोटी नियत ये हालात है स्कूल के स्कॉटिश हाई स्कूल के बाहर हम मौजूद हैं लाइव तस्वीर आपको दिखाई पेरेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं मिलना है तो डिसीजन मेकर से मिलना है अथॉरिटी से मिलना है जो डिसीज़न ले सके क्योंकि लगातार पेरेंट्स आते हैं डिमांड करते हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती जिसके चलते पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं और परेशानी झेलनी पड़ती है बच्चों को जिनके एजुकेशन के साथ खिलवाड़ होता है मैं आप लोगों से अपील करूंगा आप लोग अपनी आवाज़ उठाएं इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दबने ना दें क्योंकि ये हालात हमारे भारत देश के हैं जिस भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर इस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो ना तो आप पढ़ पाएंगे ना पढ़ा पाएंगे ये हालात हो जाएंगे हमारे देश के हर व्यक्ति को इस देश पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम घुटनों पे आ गया है हर सिस्टम घुटनों पे आ गया है आपको दिखा रहे हैं स्कॉटिश हाई पब्लिक स्कूल की बड़ी बड़ी इमारतें ये इमारतें सिक्योरिटी गार्ड रखे गए हैं बड़ी बड़ी पूरी इमारत को जैसे एक तरीके से आप देखेंगे इस गेट के नज़रिए से तो ऐसा लग रहा है कोई जेल हो जिसमें डिमांड लेकर आए हैं पेरेंट्स उस जेल में अंदर जाने नहीं दे रहा जेल बना दिया गया है पेरेंट्स के लिए लाइव तस्वीर आपको दिखाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा साथ ही आपसे अपील करता हूँ कि आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो या कुछ भी आपकी कुछ लगता है आपको कुछ गलत हो रहा है तो आप हमें जा सकते हैं हमारे पेज पे नंबर है आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमसे कैमरामैन तनुज के साथ गोहित कौशिक द हिंद वॉरियर्स